जी वेलकम बैक। 16 सितंबर 2012 के डिस्कशन प्रोग्राम में आपने बुलाया और ये जश्न एक्सलेंस का आज आखिरी दिन है और आखिरी सेशन है। देखिए, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। कि लाइव ब्रॉडकास्ट संडे आएगा या संडे ब्रंच प्रोग्राम आएगा। लाइव ब्रॉडकास्ट संडे प्रोग्राम तो आएगा, मगर मैं आपको ये बात बताते चलूँ कि ये जो वन आवर प्रोग्राम शुरू किया गया है, ये बहुत अच्छा है। इसको इसको लाइक करें, इसको कमेंट करें, इसको व्यू करें। ये प्रोग्राम प्रेजेंट होगा तो हमारे चैनल की जान है, इसके लिए सपोर्ट करें। जो संडे ब्रंच प्रोग्राम है उसकी इतनी सपोर्ट नहीं करें। लाइव प्रकार से संडे आएगा मगर संडे ब्रंच नहीं आएगा, इतना मुझे पता है। तो यही बात है कि सपोर्टिवली हमें करना है। किसको करना है सपोर्ट? हमें सपोर्ट करना है वन आवर प्रोग्राम को, इसी से हमारे चैनल की जान है। इससे काफी नए ख्यालात सामने आ रहे हैं और नई बातों को जागृत किया जा रहा है। ये एक बेहतरीन प्रोग्राम है, देखने वालों की नजर में बहुत अच्छा प्रोग्राम है, सब इसको एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, अब मैं क्या बताऊँ कि अब ऐसा ऐसा जश्न एक्सलेंस ही खत्म हो रहा है। और ये सेशन हम दुआ के लिए रख लेते हैं। अल्लाह ताला हमें हर मकसद में कामयाब करे। अल्लाह ताला की तारीफ में मैं कहूंगा कि अल्लाह ताला बहुत रहीम और करीम है। बहुत अच्छा है। वो एक ऐसी जात है प्यार करने वाली, जिसको हमेशा चाहा जाता। उसके लिए उफ भी नहीं किया जा सकता। वो हमारी जान है। की रहबरी से ही हम आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे। उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए हम अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे। वो अगर हमसे राजी है तो हम उससे राजी हैं। वो हमारा मालिक है, हम उससे बेहद मोहब्बत करते हैं। हम मैं अपनी बात बयान कर रहा हूँ, हम उसको बहुत चाहते हैं। वो हमारी जान है। हम उसकी रजामंदी के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे, जान तक कुर्बान कर देंगे।
या अल्लाह, मैं दुआ करता हूँ कि मैं आपसे नाराज ना हूँ, कभी नाराज ना हो, और आप उससे कभी नाराज ना हो। मैं अपनी बात कह गया जबरदस्ती से, मैं आपसे, आप कभी उससे नाराज ना हो। आप मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। बस इतना कहूंगा कि मुझे याद जरूर रखिएगा, मेरे गुनाहों को बख्श दे, मुझे सीधा रास्ता दिखा, और जाहिर है जब अल्लाह ताला से दुआ कर रहे होते हैं तो एक अजीब सी कैफियत हो रही होती है, और एक समा होता है चशम आबे चशम का, और वो अब मेरा हालत बुरी हो रही है, और दिल चाह रहा है कि अभी मैं बहुत जोर जोर से रोऊं, अल्लाह ताला को प्यार करने के लिए मुझे हाल लिए, अल्लाह ताला को मोहब्बत का तकाजा यही है कि हम उसके लिए आंसू बहाएं, उसके लिए रोएं, और ये मोहब्बत के आंसू निकलेंगे, ये खुशी के आंसू निकलेंगे, ये प्यार के आंसू निकलेंगे, और हम उससे बेहद मोहब्बत करते हैं, वो हमारा दाता है, आका है, बस हमें सीधा रास्ता दिखा, और हम इसी तरह से अगले साल भी जश्न एक्सलेंसी बनाएं, और बल्कि अगले साल के सारी जिंदगी जश्न एक्सलेंसी बनाएं। थैंक यू वेरी मच।